सो दोस्तों कल होगा वीकेंड का वार दोस्तों। जी हाँ, और वीकेंड का वार कल शूट होना शुरू हो जाएगा कल। लेकिन दोस्तों कल सलमान सर नहीं आएंगे, कल आएंगे दोस्तों करण जौहर। जी हाँ दोस्तों, करण जौहर कल आएंगे दोस्तों शूट करने के लिए। सलमान सर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सलमान सर शूटिंग में बिजी है, करण जौहर के फिल्म के शूटिंग ही है, करण जौहर ही वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सालों के बाद, बहुत साल के बाद करण जौहर ने सलमान सर को साइन किया है। सलमान सर इस फिल्म में पैरामिलिट्री या आर्मी के रूप में देखे जाएंगे, कैरेक्टर निभाएंगे उसमें। तो सलमान सर कल शूट पे नहीं आएंगे दोस्तों, बिग बॉस के सेट पे वीकेंड का वार सेट होस्ट करने करण जौहर आएंगे। और उन्होंने अच्छा होस्ट किया था, याद है पिछले बार जो होस्ट किया था उन्होंने, मनारा को क्या बोला था, यू आर यूजिंग दम अनुराग एंड मुनावर, यू आर यूजिंग अनुराग एंड मुनावर। सो करण जौहर आएंगे दोस्तों, कल शूट करेंगे करण जौहर दोस्तों वीकेंड का वार। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, करण जौहर जब जब आते हैं मज़ा आ जाता है, उनका होस्टिंग भी अच्छा है। लेकिन सलमान सर तो सलमान सर ही है ना, सलमान सर का होस्टिंग भी अच्छा है। लेकिन करण जौहर आएंगे फिर से दोस्तों, और क्योंकि सलमान सर उनकी ही फिल्म के लिए शूटिंग करने जा रहे हैं कल, है ना। उस फिल्म में सलमान सर शायद ऐसे पैरामिलिट्री कमांडो आर्मी क्या लेंगे दोस्तों, इसलिए उन्होंने फिर से बॉडी बनाई है ना, फिर से फिट हो गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे और भी अपडेट्स मैं आपको दूंगा। अभी दोस्तों ईशा और उसके पापा जो है लाइव फीड में बातें कर रहे हैं। समर ईशा के पापा ईशा को बोल रहे हैं कि आपका जो मतलब ईशा को बोल रहे हैं आप इंडिविजुअल खेलिए, अभिषेक को समझ से दूर रहिए। और ये भी बोला है ईशा को कि आपने जो एक टास्क दिया था आपको, ईशा जब कैप्टन थी ईशा को एक टास्क दिया था, याद है क्लॉक वाला, राउंड क्लॉक वाला, उसमें ईशा ने समर्थ को नंबर वन पे रखा। तो समर्थ के ईशा के पापा ईशा को बोल रहे हैं कि क्या समर्थ नंबर वन पे डिजर्व करता है, आपके दिल से क्या लगता है ईशा? ईशा ने बोला नहीं, वो तो मेरे रिश्ते थे इसलिए मैंने किया। सो ईशा के पापा ने दोस्तों ईशा को समझाया कि अभिषेक को समर्थ से दूर रहने के लिए। लेकिन दोस्तों ईशा का गेम तो वही है ना, अभिषेक और समर्थी तो ईशा का गेम था, वरना ईशा का कुछ मुझे गेम लगा नहीं था। लेकिन वो अच्छा कैप्टेंसी निभाई, बायस थी। चलिए थैंक यू, बाय, और बुलाऊंगा वीडियोस और अपडेट्स लेता रहूँगा मैं आप लोगों को।